सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु के पवित्र सामर्थी नाम पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है कि ईश्वर प्रेम है। उसने सबसे पहले इस जहां से मोहब्बत की, और इतनी मोहब्बत की कि उसके लिए अपने इकलौते बेटे को उसने कुर्बान कर दिया। इसलिए विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने तुम्हें प्यार किया और तुम्हारे पूर्वजों को दी गई शपथ को पूरा किया, इसलिए प्रभु ने तुम्हें अपने भुजबल से निकाला और दासता के घर से मिस्र के देश राजा फिराउन के हाथ से उसने छुड़ाया। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके इस प्रेम के लिए, आपके इस प्रेम के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप मुझे प्यार करते हैं, आप मुझे प्यार करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, और महत्व रखते हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता, इसलिए इसलिए मैं तुम्हारे बदले मनुष्यों को देता हूँ, मनुष्यों को देता हूँ। तुम्हारे प्राणों के लिए, तुम्हारे प्राणों के लिए राष्ट्रों को देता हूँ, राष्ट्रों को देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय जनों, प्रभु कहता है मेरा यह प्रेम तेरे प्रति चिरस्थाई है, अनंत काल तक बना रहेगा। आइए इसी प्रेम में आनंद मनाएं, खुश होकर प्रभु की स्तुति करें और प्रभु से कहें कि मेरा प्रभु मुझसे प्रेम करता, मेरा दिल उसमें रम जाता है। मेरे साथ मिलकर इस वक्त आप जहां कहीं भी हैं, चाहे घर में हो, यात्रा में हो या अपने किसी काम पर हो, यदि आप इस स्तुति प्रशंसा को सुन रहे हैं, इसमें भाग ले रहे हैं, तो एक मन एक प्राण होकर प्रभु की स्तुति करना, वो आपको आशीष प्रदान करेगा। प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे सब मुझको ठुकराए, चाहे सब मुझको ठुकराए, चाहे सब मुझको ठुकराए, चाहे सब मुझको ठुकराए। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे माँ बाप मुझको भूल जाए, चाहे माँ बाप मुझको भूल जाए, चाहे माँ बाप मुझको भूल जाए, चाहे माँ बाप मुझको प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे जग मुझसे दूर हटे, चाहे जग मुझसे दूर हटे, चाहे जग मुझसे दूर हटे। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे दुख
मुझको घेर ले, चाहे दुख मुझको घेर ले, चाहे दुख मुझको घेर ले, चाहे दुख मुझको घेर ले। एक साथ मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। हालेलुया 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 हालेलुया। ईश्वर का प्रेम अपरंपार, उसकी महिमा है मुझ पर। हालेलुया 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 हालेलुया। उसके प्यार की सीमा नहीं, वो ही मुझको प्यार करता सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। एक साथ स्तुति करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करते जाएंगे साथ, हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करें, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रियजनों, इस वक्त आप जहां कहीं भी हैं, प्रभु की रूह का मसा और उसके अभिषेक का अनुभव करें। आप अपने घर में इस वक्त प्रभु का सानिध्य महसूस करें। प्रभु का वचन कहता है कि जहां पर दो या तीन मेरे नाम से एकत्र होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर रहता हूं। प्रभु की आत्मा इस वक्त हम पर छाई हुई है, अपने सानिध्य से उसने हमें घेर के रखा है। वचन में हम पढ़ते हैं योहन का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 कि प्रभु ने इस संसार से इतनी मोहब्बत की कि उसके लिए उसने अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया, जिससे कि जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। इसलिए प्रभु ये कहता है, चाहे पहाड़ टल जाएं, पहाड़ियां डामाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। तेरे लिए मेरा शांति विधान कभी डामाडोल नहीं होगा। प्रियजनों, प्रभु के इस वचन पर विश्वास करके आज प्रार्थना करना, आपका बंधन टूटेगा, आपके परिवार में उन्नति आएगी, आपके परिवार में शांति आएगी। जो लोग बीमार हैं प्रियजनों, जो लोग निराश हैं, आज उन्हें प्रभु अपनी आशीषों से और बरकतों से भर देगा। आप राह चलते, उठते बैठते, सोते जागते समय सब समय प्रभु की स्तुति करते जाना और हमारे साथ मिलकर स्तुति प्रशंसा में शामिल होकर प्रभु की महिमा करना, क्योंकि प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है, मांगो और मिलेगा, खटखटाओ और खोला जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा। जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है। और प्यारे भाइयों और बहनों, जो मांगता है उसे दिया जाता है। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि आपने मुझे अपने प्रेम से भर दिया है, अपने प्रेम से भर दिया है। मेरे मांगने से पहले ही, मेरे मांगने से पहले आप मेरी जरूरतों को पूरा करते हैं, आप मेरी जरूरतों को पूरा करते हैं। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार में, मेरे परिवार, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में शांति आ जाए, शांति आ जाए, अपने वचन के द्वारा, अपने वचन के द्वारा मेरा
मार्ग प्रशस्त कीजिए, मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है, पिता ने मुझको प्यार किया है, उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है, प्यार किया। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो, दृढ़ बने रहो। आमेन आमेन। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरा ईश्वर मुझे कितना प्यार करता है। काई मेरा ईश्वर मुझे कितना प्यार करता है, पिता जैसे मेरा कितना ख्याल रखता है, पिता जैसे मेरा कितना ख्याल रखता है। मेरा ईश्वर मुझे कितना प्यार करता है, मेरा ईश्वर मुझे कितना प्यार करता है, पिता जैसे मेरा कितना ख्याल रखता है, पिता जैसे मेरा कितना ख्याल रखता है। अपनी हथेली में मुझको छिपा लेता है, माँ की ममता से भी बढ़कर उसकी ममता है, माँ की ममता से भी बढ़कर उसकी ममता है। मेरा ईश्वर मुझे कितना प्यार प्रभु में आलोकित है। मेरा ईश्वर मुझे कितना प्यार करता है, पिता जैसे मेरा कितना ख्याल रखता है, मेरा ईश्वर मुझे कितना प्यार करता है, पिता जैसे मेरा कितना ख्याल रखता है। आंसुओं की घाटियों से जब गुजरता हूँ, आंसुओं की घाटियों से जब गुजरता मेरा ईश्वर मुझे कितना प्यार करता है, पिता जैसे मेरा कितना ख्याल
सच्चे प्यारे भाई प्यारी बहन, हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। उसका वचन हमें बताता है कि क्या स्त्री अपना दुधमुहा बच्चा भुला सकती है, क्या वो उस पर तरस ना खाएगी, क्या वो अपने गोद के पुत्र पर तरस ना खाएगी। यदि वो भुला भी दे, कहता है, तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। हमारे जीवन में ऐसे अनेक क्षण, ऐसी अनेक परिस्थितियां आई जब हमने परमेश्वर के प्रेम को ठुकराया, उसे याद नहीं किया। प्रियजनों, हमने प्रभु को सम्मान नहीं किया। अनेक बार अपने कामों से, अपनी बोली से, अपने विचारों से और अपनी अनेक प्रकार की चीजों से परमेश्वर को कष्ट पहुंचाया है। इसलिए प्रभु से हम क्षमा की याचना करें कि प्रभु हमें क्षमा कर। हम नहीं जानते थे, हम अज्ञानता के अंधेरे में थे, इसलिए हम तुझसे दूर भटक गए थे। याद कीजिए कि उड़ाऊ पुत्र जिसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मुझे मेरी संपत्ति का मेरा हिस्सा दे दीजिए, अब से मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता हूं। और बाइबल में बताती है कि उसके पिता ने उसके आग्रह पर उसकी संपत्ति का हिस्सा दे दिया। वो उठाकर अपने मित्रों के साथ ऐश की जिंदगी देने जीने के लिए चला गया। उसने अपनी धन संपत्ति अपने मित्रों के पीछे, महखानों में वैश्याओं के पीछे सारा पैसा खर्च कर दिया। एक दिन अकाल पड़ा और उसे एक ऐसे व्यक्ति के यहां एक ऐसा छोटा और घृणित काम मिला जिससे उसका मन ऊब गया था। अकाल के समय में उसे गंदे जानवर चराने का काम मिला। और प्यारे भाई प्यारी बहन, उस दौरान वो उसी गंदगी में रहता, उन्हीं जानवरों का खाना वो खाता और यूं ही पड़ा रहता था। पिता से अलग होने का यही अर्थ है। जब इंसान अपने बाप से, अपने घर से दूर चला जाता है, पाप की जिंदगी जीने लगता है, बुराई की जिंदगी जीने लगता है, तो उसके जीवन में ये कष्ट आने लाजमी है। और ऐसा ही उड़ाऊ पुत्र के पास साथ भी हुआ। प्यारे भाई और बहन, प्रभु का वचन कहता है, जब उसे होश आया तो उसने अपने मन में सोचा और खुद से कहा कि मेरे घर में, मेरे पिता के यहां सैकड़ों नौकर भरपेट भोजन करते हैं और मैं यहां भूखों मर रहा हूं। उसने निर्णय लिया। उसने कहा, मैं उठूंगा, मैं जाऊंगा और अपने पिता से कहूंगा, पिताजी, मैंने आपके और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, मुझे अपने नौकरों में से एक रख लीजिए, मैं आपका बेटा कहलाने के लायक नहीं हूं, क्योंकि मैंने तो सारी धन संपत्ति इन वैश्याओं के पीछे, अपने मित्रों के पीछे, शराबियों के पीछे उड़ा दी है। अब मुझे क्षमा कीजिए और मुझे अपने नौकरों में से एक रख लीजिए। उस पिता का प्रेम देखिए। वो हर दिन अपने बेटे के आने की बाट जोहता रहता था। जैसे ही उसने देखा कि उसका बेटा आ रहा है, उसने अपने नौकरों से कहा, जाओ जल्दी से उसके हाथ में अंगूठी पहनाओ, उसके पैरों में चप्पल पहनाओ, उसे नए वस्त्र पहनाओ और एक भोज का प्रबंध करो, क्योंकि मेरा ये बेटा जो खो गया था मिल गया है, जो मर गया था वो जीवित हो गया है। आनंद मनाना हमारे लिए उचित है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम भी प्रभु के पास लौटें और चलें। ये प्रायश्चित का समय है, पश्चाताप करें। स्तुति वंदना के द्वारा आपके जीवन में शांति आ जाए। प्रायश्चित और स्वीकृति में प्रभु कहता है, तेरा कल्याण है। जो अपने पापों को छिपाता उन्नति नहीं करता, लेकिन जो उन्हें प्रकट करके छोड़ देता उस पर दया की जाएगी। आइए हम सच्चे हृदय से, सच्चे मन से तौबा करें, अपने गुनाहों के लिए
माफी मांगें और तत्पश्चात प्रभु की कृपा हमारे ऊपर उतरे, पवित्र आत्मा का सानिध्य हमारे ऊपर उतरे। पिता ने हमें इतना प्यार किया कि हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही हैं। संसार हमें नहीं पहचानता क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं पहचाना है। तो ईश्वर के प्रेम की पहचान इस बात में है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने हमसे प्रेम किया है। इसीलिए उस प्रेम की अभिव्यक्ति हम करते हैं प्रार्थना के द्वारा, प्रायश्चित के द्वारा, सेवा के द्वारा, उपवास के द्वारा और कलीसिया में सेवकाई के द्वारा हम उस प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं। ये सुंदर समय है। द अनॉइंटिंग ऑफ द लॉर्ड इज फ्लोइंग, परमेश्वर की रूह का मस्सा बह रहा है। इस वक्त पवित्र आत्मा आप लोगों के हृदयों को स्पर्श करे, चंगाई प्रदान करे, आशीष दे। अगर आप अपने घर में हैं अपने हाथों को ऊंचा उठाएं, घुटनों पर आ सकते हैं तो घुटने टेकें। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, पवित्र आत्मा आपको अपने सानिध्य से घेर ले, परमेश्वर का रूह आपके जीवन में कार्य करे, परमेश्वर के वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लाएं। ये यू बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से आपके घरों को, आपके चौकटों, आपके बिछौनों को मैं मसा करता हूँ, ब्लेस करता हूँ। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे, आज का दिन आपके लिए आशीषों का दिन हो। स्वर्गदूत मिखाएल अपनी तलवार से आपकी रक्षा करे, स्वर्गदूतों की सेना आपके घर में डेरा डाले, प्रभु के रक्षा स्तंभ आपके प्रांगण में लग जाएं। आप में से जितने भी लोग काम पर जाने वाले हैं मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर आपका मार्ग प्रशस्त करे, आपको सारी बदरूहों के लश्करों से बचा के रखे और आपको तंदुरुस्ती और चंगाई प्रदान करे।
दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, तेरे इन बच्चों पर दया कर। हे प्रभु, तू आदि अंत अल्फा और ओमेगा है, सदा एक रूप बना रहने वाला प्रभु है। याद कर जो तेरे पास आया, तूने खाली हाथ नहीं लौटाया। अंधों को आंखें, बहरों को कान, गूंगों को वाणी, लंगड़ों को पांव दिए। ये मेरा विश्वास है, मैं तुझ पर आस रखता हूँ। तू मेरी प्रार्थना को सुनता और कबूल करता है। तेरे इन बच्चों पर दया दृष्टि डाल, जो तेरी सेवकाई में उपस्थित होकर तेरी सेवा करते हैं, इन गीतों भजनों के द्वारा तेरी बड़ाई करते हैं। जितने भी लोग ऑनलाइन प्रार्थना में इस वक्त मौजूद हैं, भाग ले रहे हैं, इनकी प्रार्थनाओं को सुन और उत्तर दे। तेरा वचन कहता तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उन्हें कबूल करता है, इसलिए लोग तेरे पास आते हैं। आज तेरे वचन के द्वारा इनके जीवन में 100 गुना फल लाए। मैं तेरा दास मूसा के जैसे हाथों को उठाता हूँ, प्रायश्चित करता हूँ तेरी इस प्रजा के लिए। इनके घरों आंगनों पर अपनी आशीष बरसा दे। तेरा पवित्र दाहिना हाथ इन्हें अपनी छत्र छाया में रख ले। माँ मरियम हमारे लिए प्रार्थना कर, दूतों और संतों हमारे लिए प्रार्थना करो। हमारा प्रभु में आशीष दे, हर बुराई से रक्षा करे, अनंत जीवन प्रदान करे। आ